Hey, what's up, guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha, and you're watching Beat Blaster. So, guys, आपके लिए क्या आ गए हैं शिव ठाकरे की हम ठग लाइफ कह सकते हैं उनके कुछ वॉयलेंट मोमेंट्स देख सकते हैं हम इसमें कि जो भी थे बिग बॉस में हैं बिग बॉस में तो उसको करते हैं प्ले फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस और कौन चाहता है कि शिव ठाकरे विनर बने सही बात है ये बताना कि कौन कौन चाहता है शिव ठाकरे विनर बने वैसे तो हमें मैक्सिमम दिख रहा है कि एमसी स्टैंड को लोग ज्यादा वो कर रहे हैं प्रियंका कर रहे हैं है ना प्रियंका को भी कर रहे हैं लोग रीजन क्यों अच्छा तो अब हम देखते हैं इसमें और बाकी फिर करते हैं हम प्ले और फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस शिव ऐसा कर सकता है लेकिन इतनी इंग्लिश में शिव से एक्सपेक्ट नहीं करता मिठाई मराठी कितना रियलिटी शो करेगा वो तो क्या इसका ये डायलॉग फुटेज चाहिए गुंडे हो ना तुम यहाँ पे सारे इसके पीछे पड़ गए भाई शिव तेरे को ऐसे पकड़ रहा है ऐसे खींच रहा है ये तरह तुम थप्पड़ क्यों नहीं मारा वायलेंस 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 आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड बट वायलेंस बट वायलेंस लाइक्स मी The winner of Marathi Big Boss Season 2, Shiv Thakur. ये सब लोग एक हो गए कितने लोग हैं वो सब एक है अभी फिलहाल तो क्या होता है इससे इससे मुझे अकेला गिराएंगे फिर धीरे धीरे वोट आउट ट्राई करेंगे फिर ट्राई करेंगे शो को अपनी वाट लगाते और शो को निकालते आप मेरी शर्म निकालोगे मैं माता रानी पैर पड़ूं तो मैं भी आपसे कोई पैर नहीं छप्पड़ मार दूंगी और सॉरी बोलू चलेगा मैं तो छत भी उतारूंगा टेंशन नहीं लेने का सबकी वाट लगाने का खुश रहने का ऐसा सावत मेरे से बदतमीजी मत करना ये किसने पहना है एमसी ने गले में पहना मैं बोलूंगा ना मैं पूरी की पूरी बैंड बजा दूंगा फिर है ना थाली में से लेके जाओगे रोटियां किसने ली नहीं थी सौंदर्य ने जो दी वो हमने ली अभी कोई खा रहा था खाते वो थालियों में से ले कुछ तो शर्म कर भगवान से तो डर आप ऐसे एक इंसान को कोई गलत नहीं बोलेगा सिर्फ एक इंसान को कोई गलत नहीं बोलेगा पूरा दोनों अलग अलग है सोच पता चल गई प्रो के मुद्दे में जंप लेते हो क्यों क्यों नहीं लेगा लड़की अगर ऊंची आवाज में मेरे से बात करेगी तो मैं ऊंची आवाज में तब करूंगा उसके पहले नहीं करूंगा फंडा है ये सीन तेरे को पता नहीं तू इसमें जंप पे मत ले समझ में नहीं नहीं मैं गणपति बाप्पा शिव याद रखना चालीस का 400 मिलेगा मेरे भाई अरे यार तू पहली फट रही है तेरी तेरे जैसे 10 आ गए ना तो पहले फटने की छोड़ हिलूंगा भी नहीं मैं देखने देखने नहीं हटता मैं आगे से नकली आदमी उनके सर पे सिलबट्टा है अरे बाप रे पत्थर का है सिलबट्टा होता है इसलिए तेरा ये कौन सा रूल हुआ ये चीटिंग वाले जीते
कैप्शन भी उनका, बैट भी उनकी, बॉल भी उनका, स्टंप भी उनका। पर उन्हें क्या बोला, उन्हें बोला अभी तेरे ये बजाता हूँ मैं, बोला मैंने इमीडिएट सॉरी बोला ना, सॉरी बोलने से मुझे बताई छप्पड़ मारू तुझे और सॉरी बोलू चलेगा ब्रदर? इंटेंशन अंदर जो दिल में है ना, वो इतनी शर्म नहीं आ रही अभी, वो लड़की को तुझे नहीं आ रही, तो कुछ प्यारी है अब, ठीक है? मैं बोला बोलने से नहीं होता कि लड़कियों की रिस्पेक्ट कर, इसमें से कुछ लोग हैं खुद को भगवान प्रेजेंट कर, ऐसा कोई नहीं होता सर परफेक्ट, फिर मंदिरों में बिठा देते। और भी है सिग्मा रूल्स के बारे में सब चुगली करते, प्रियंका अर्चना सौंदर्या, ठीक है, और शालीन तो क्या रहे उसका, तो अभी वहां पे अगर मैं टीना का नाम लेता तो सही था, उनको जानबूझ के मैंने जो बात की है उसके कुछ टर्न करना है, जस्ट मुद्दा बोला मुझे नहीं मन हो रहा है, ये किसी का नहीं हो सकता, तुम हो सकते हो, तुम्हारे शालीन के नहीं हो सकते हो, दो मिनट में वो कहो ना प्यारे वाला सीन करते हो, दो मिनट में उसके कैरेक्टर पे जाते हो, मैंने तो सब करके रखा हुआ है, मेरे पास कलेक्शन है, मेरे पास कलेक्शन। इसका था कुछ टीना के साथ का, नहीं है टीना के साथ? नहीं, नाचते नाचते जा रही थी, डिग्निटी से आई हूँ डिग्निटी से जाऊंगी, चेहरे पे तो दिख नहीं रहे, फेस पे तो डर दिख रहे। ये प्लानिंग के साथ में चल रहे हैं ना सब, शिव जो सबका दिमाग हाईजैक करके चल रहा है ना, वो शिव की गेम है, आपकी किसी की। मैं रैंक वन पे शिव को बुलाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो घर के मुद्दे हो या ड्यूटीज रिलेटेड हो या टास्क रिलेटेड हो, मुझे लगता है कि उनका योगदान काफी अच्छा है, तो मैं चाहूंगी कि शिव रैंक नंबर वन पे। इस राउंड में जो कि राउंड थ्री है, शिव की गोल्डन बिस्किट ज्यादा है बिग बॉस। घोषणा कीजिए कि आप कौन सा विकल्प चुन रहे हैं। ऑब्वियसली सर, दावेदारी नहीं करेंगे सर, हम पासपोर्ट लेंगे सर। मतलब क्या होता है, 25 लाख या तो 25 लाख जाने देना विनर की प्राइस मनी से, या तो कैप्टनसी कैप्टन बनना फर्स्ट ने, मतलब समझ नहीं, मतलब पैसे चुन लिए, मतलब इसको 25 लाख इसके पैसे विनर की प्राइस, अगर ये कैप्टन बनता, अगर ये कैप्टन बनता तो नहीं, ये दिल्ली का था ना, नहीं इसने कैप्टन बनना मतलब प्रेफर किया ना, ये कैप्टन बन गया, ये मतलब कि 25 लाख इसने छोड़ दिए, 25 लाख कट होने थे, कट जा रहे थे प्राइज मनी से, समझिए शिव ठाकरे के खेल की टास्क में 100% योगदान, दोस्ती 100% योगदान, दुश्मनी 100% योगदान, मास्टरमाइंड 100%, घर के प्रति रवैया 100%, बिग बॉस के प्रति रवैया 100%, इस शो को लेकर रवैया 100%, हर चीज में शिव ठाकरे की बात अगर हम करें तो भाई 100%। मैंने सुना है उनके बारे में भी कि वो भी अच्छा कर रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग है काफी। शिव द वेरी बैलेंस्ड, हिज वॉइस वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड वॉइस, और बहुत लंबी रेस का घोड़ा है, टीम में भी शिव फेवरेट है, मुझे गणपति बप्पा मोरया, तो मैं भी वही बोलूंगा, आई होप शिव विंस बिकॉज ही डिजर्व्स इट। अच्छा जैस्मिन भी शिव, आई लाइक शिव ठाकरे, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स शिव ठाकरे एंड अब्दू तो मेरे बहुत फेवरेट है। बहुत खुश हूँ जिस तरीके से शिव खेल रहा है और जिस तरीके से लोगों का प्यार उसे मिल रहा है। और 5 में मैं देखना चाहूंगा, बीमार हो गया शिव, थिंक विन विन सिचुएशन है शिव के लिए और बहुत अच्छा कर रहा है शिव, मुझे बहुत ही जेन्युइन लगता है, दिल से एकदम साफ। 16 विनर शिव ठाकरे, खुद ही बोल दिया उसने अपने आप को विनर। सो ये था इनका प्राइस, पता है कितना प्राइस, इन तीनों में से कोई विनर बनेगा, प्रियंका, एमसी स्टैन या फिर शिव ठाकरे। अच्छा, प्रियंका का फैन फॉलोइंग की वजह से, हाँ बहुत ज़्यादा है फैन फॉलोइंग बार उसकी भी। अच्छा, पर मेरे ख्याल से शिव की हो जाएगी लास्ट में, मेरे ख्याल से एमसी और शिव का चलेगा मेरे ख्याल से, बाकी पता नहीं, अब देखते हैं कि क्या रहता है, कलर्स करेंगे तो फिर कलर्स का अब है ना भैया, इनको तीनों लेना पड़ेंगे, अगर प्रियंका की फैन फॉलोइंग के हिसाब से तीनों में से कोई एक करना पड़ेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना पड़ेगा इनको, पर ये मेरे ख्याल से फर्स्ट एमसी स्टैंड को करेंगे और सेकंड में भी कर देंगे प्रियंका को और थर्ड कर देंगे तो बेस्ट चीज सबसे, एमसी शिव में से कोई भी आ जाए, बस प्रियंका नहीं आनी चाहिए, पता नहीं यार जो भी होगा, जब पब्लिक पे डिपेंड है, पब्लिक तो चलो अपनी तरफ से काम कर ही रही है, जो जिसको पसंद था उसको वोट देगी, सही बात। सो बाकी तो फिलहाल इस वीडियो में ना गाइस, अगर आप चाहते हो हम किसी और भी जो भी है कंटेस्टेंट उन पे ठग लाइफ पे रिएक्शन करें तो बताना,
सो बाकी तो फिलहाल स्टूडियो में गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।